हमीरपुर में मौदाहा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर अहम सफलता हासिल की है। दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को जब पुलिस ने घेर लिया तो एक मोड़ के पास भीषण मुठभेड़ हो गई। मौदाहा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान संदिग्ध के पैर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से एक देशी पिस्तौल के साथ संदिग्ध को बरामद किया है। हत्या के आरोपी कुख्यात युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुँचाया। दुसाहसी संदिग्ध ने युवक के सीने में कई बार चाकू मारा था। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना मौदाहा इलाके के साजन तालाब हुसैनिया मोहल्ले की है। यूपी पुलिस में भर्ती होकर वर्दी पहनने की अभ्यर्थियों में गजब की ललक दिखाई दी। शुक्रवार की रात और शनिवार सुबह परीक्षा केंद्रों का नजारा अलग रहा। शहर की सड़कों पर चारों ओर सिर्फ अभ्यर्थी ही नजर आए। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी केंद्र के बाहर फर्श पर लेटे व सुबह का इंतजार करते दिखे। प्रथम पाली में जिले के 26 केंद्रों पर संपन्न हुई परीक्षा में 11,856 अभ्यर्थियों में से 341 अभ्यर्थी नदारद रहे। वहीं दूसरी पाली में भी 11,856 अभ्यर्थियों में से 424 अभ्यर्थी नदारद रहे। कुल 765 ने परीक्षा छोड़ी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया है। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार अत्यंत गंभीर तथ्य आ रहे हैं। आरओ एआरओ परीक्षा में भयंकर धांधली की तमाम गंभीर शिकायतों के बीच अब कल और आज हो रहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भी अत्यंत ही गंभीर अनियमितताओं, पेपर लीक आदि की तमाम शिकायतें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें 3 टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े तथ्य मैंने स्वयं सत्यापित किए हैं और इनके आधार पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को इन तथ्यों को उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच के माध्यम से सत्यापित करते हुए FIR दर्ज किए जाने और आवश्यक होने पर परीक्षा को निरस्त किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की है। एसपी गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में नवाबगंज पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल एक सॉल्वर सहित 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 स्विफ्ट डिजायर कार, 3 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और 5,000 नकद जब्त किए गए। एसओजी सर्विलेंस और जसराना पुलिस की संयुक्त टीम ने ओडिशा से लाल किला टाटा तक उच्च गुणवत्ता वाली अवैध गांजा ले जा रहे 2 छात्र मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ का वजन लगभग 170.86 किलोग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख है। देखिए, अभी तो 2 लोग पकड़े गए हैं और दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, और ये बेसिकली जो सुनील है ये पहले एक बार थाना सोरो कासगंज से जेल जा चुका है। जेल में ही इसको नारकोटिक्स के धंधे के बारे में एक्सपर्टीज मिला, वहां से कुछ आइडिया मिला और उसी के आधार पर इसने अपने कुछ लोगों के संपर्क से ये वहां उड़ीसा गया और वहां से ये माल लेके आया है। इसमें इससे पूछताछ की गई है। हमारी जो एसओजी टीम है उसके पास बहुत सारे और भी इनपुट्स हैं। इसमें कुछ लोग और शामिल हैं। इसमें जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों को मिली है और उसको भी हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। प्रयास ये है कि जो पूरा गैंग है इस गैंग को बस्ट किया जाए। पूछताछ में ये कब से काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसे ये इसका ये कहना था कि दूसरी खेप थी इसकी, और उसके बाद अभी और भी जानकारी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम लोग को मिलेगी। थैंक यू। बरेली के आंवला क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी पकड़ने के साथ उनकी निशानदेही पर चोरी की 16 बाइकें व 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई हैं। एसएसपी ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रूपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। करीब 5,000 जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास का इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। एंटी ड्रोन टीम की तैनाती की जाएगी। कमिश्नरेट के अफसरों ने इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज से शुरू हो गई है। चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे, इसके बाद स्वराज भवन से यात्रा शुरू की गई। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे। बालसन चौराहा से लेकर विश्वविद्यालय और कटरा तक पूरा इलाका राहुल गांधी के कटआउट बैनर और पोस्टर से पट गया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय,
योगेंद्र यादव, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह सहित तमाम नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैन धर्मगुरु विद्यासागर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि उनका निधन संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि जैन पंथ के पूज्य संत, आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत एवं संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।